किसान साथियों, आज के स्टूडियो में हम टमाटर की खेती के साथ साथ अन्य और कौन कौन सी फसल को आप सक्सेसफुल तरीके से आप इंटरक्रॉपिंग कर एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों, हम कोई भी फसल में हम सही तरीके से इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उससे हम कमाई है उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। स्प्रे भी उसमें कम लगता है और खाद भी कम लगता है, और समय के साथ साथ वही जगह पर आपका जो टमाटर की आप खेती कर रहे हैं वही जगह का एक सही इस्तेमाल कर आप एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम टमाटर की खेती कर रहे हैं, हमारा जो मुख्य फसल है वह टमाटर की है, और दूसरा जो हम फसल बताने वाले हैं वह हमारा एक साइड फसल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसान साथियों कि आप जो भी फसल ले उससे पहले आपको खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसमें से आप पहला जो फसल है वह आप धनिया की ले सकते हैं। धनिया की खेती लगभग 40 से 50 दिन में ख़त्म हो जाती है, और अगर आप चाहे तो उसको बेट के दोनों तरफ आप लगा सकते हैं, दोनों साइड पर, या फिर आप चाहे तो जो दो पौधे के बीच में भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो टमाटर की रोपाई से पहले आप धनिया की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप टमाटर की रोपाई के बाद भी आप धनिया की बुआई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है मेथी। मेथी की भी आप खेती सेम धनिया की तरह कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो दोनों साइड से लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पौधे के बीच में भी आप लगा सकते हैं। तीसरा जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है मूली। मूली की भी खेती लगभग 40 से 45 दिन में समाप्त हो जाती है, और एक अच्छा खासा रेट दे कर जाती है। मूली को आप दोनों साइड पर लगा सकते, या फिर आपको चलने फिरने में आसानी नहीं होती वैसे स्थिति में आप एक साइड भी मूली की बुआई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला जो फसल है वह है गाजर की। गाजर की भी आप बुआई आप तो एक साइड भी आप कर सकते हैं, आपको आसानी हो उस तरीके से आप गाजर की भी बुआई कर सकते हैं। यह जो फसल है किसान साथियों तो जिसकी खेती आप टमाटर की रोपाई के साथ ही आप उसका इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब अगला जो हम 10 से 11 जो फसल बताने वाले हैं वह आपको खरीफ की फसल समाप्त होने के बाद आपको उसका इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग पर आपको जो टमाटर का भी एक अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको निकालना होता है। तो वैसे में आपको टमाटर की फसल पर भी सही तरीके से ध्यान देना होता है, और उसके साथ ही आप फसलों का आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इन फसलों का अगर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप लगभग दिसंबर के बाद ही आप जनवरी के आसपास में ही आप इसका इंटरक्रॉपिंग करें मेरे हिसाब से, वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला जो फसल है वह है करेला। करेला की आप खेती कर सकते हैं, वह लतेदार फसल है, तो जो आपका जो तार बांस रहेगा उसी में आपका जो लताएं हैं वह ऊपर चला जाएगा। और दूसरा जो फसल है वह है लौकी की। लौकी की भी आप एक सक्सेसफुल तरीके से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मैं यह जो लतेदार फसल है उसको इसी वजह से आपको जो खरीफ सीजन के बाद लगाने को बोल रहा हूँ किसान साथियों, कि उस समय पर खासतौर पर टमाटर का जो रेट है वह थोड़ा डाउन देखने को मिलता है। तो वैसे में आप इन लतेदार जो फसल है उसको लगाते हैं तो आपका जो पूरा टमाटर है उसको यह कवर कर ले जाता है। अगर शुरुआत में ही आप इन फसलों को लगा लेते हैं तो आपको जो टमाटर में ठीक तरीके से प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलने वाला, और वहीं पर जो लास्ट समय पर टमाटर का जो प्राइस है वह कम देखने को मिलता है, और अपना जो टमाटर है वह भी लास्ट स्टेज आया हुआ रहता है, और जो पौधे के लताएं पूर्ण रूप से फैलने तक आपका जो टमाटर है वह लगभग समाप्त होने की स्थिति पर चला जाता है। इन फसलों का आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो अगला जो फसल है तोरई की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, गिलकी का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, खीरा की भी आप इंटरक्रॉपिंग सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद आप बरबट्टी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, उस पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके साथ आप और ककड़ी का भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, उस समय पर आप अगेती ककड़ी लगाना चाहते हैं तो उस समय आप लगा सकते हैं, और साथ में आप ग्वार का भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यह फसलें जो मैंने बताया वह लतेदार फसल है किसान साथियों, तो कोशिश यही करें कि लगभग दिसंबर के बाद ही आप इन फसलों को ट्राई कर सकते हैं, ताकि लगभग 45 से 60 दिन तक जो उसका लता है वह फैलने के लिए समय लेती है, तो उतना समय तक जो आपका टमाटर कुछ बचा रहेगा वह समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त होने की स्थिति में हो वही स्टेप पर आपका जो यह फसलें हैं वह हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आपका जो रोलिंग है वह लगातार चलने वाला है किसान साथियों। जब आपका टमाटर ख़त्म हो जाएगा तो यह फसल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह थे वो कुछ फसल किसान साथियों जिसको आप सक्सेसफुल तरीके से इंटरक्रॉपिंग कर निश्चित रूप से आप अपने आमदनी को दोगुना कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, और आपका किसी भी तरीके का यह वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी इस चैनल पर इसी तरीके का इम्पोर्टेंट जानकारी आती ही रहती है, तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।